हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, आपने क्वेश्चन तो बता दिए हैं लेकिन उनके आंसर नहीं बताए हैं कि किस क्या आंसर लिखेंगे उसमें। तो इसी पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे कि आपको किस प्रकार लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मूल संरचना तथा इसके भागों पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखना है। तो हमको इसमें कंप्यूटर की मूल संरचना बतानी है और इसके भागों को बताने के कौन कौन से भाग हैं। तो कंप्यूटर की मूल संरचना देखते हैं। यदि हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पर ध्यान दें तो पाएंगे कि कंप्यूटर कुछ सूचनाओं को प्राप्त करता है, फिर निश्चित निर्देशों का प्रदत्त क्रम में अनुपालन करते हुए सूचना की आवश्यकता अनुसार गणना एवं उसका विश्लेषण कर शुद्ध एवं सत्य परिणाम को प्रस्तुत करता है। यह होगा किताबी भाषा। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर एक प्रकार की सिस्टम कार्य प्रणाली है। उसमें क्या होता है, आप कुछ इनपुट देंगे, उसका कुछ आउटपुट निकलेगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में एक क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है। तो अब एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या है कि हमारे आसपास कोई आटा चक्की तो होगी ही, आपने आटा चक्की देखी होगी। यदि हम इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आटा चक्की भी तीन भागों में बटी होती है। पहला भाग क्या है, जिसमें गेहूं डालते हैं, इस चक्की की इनपुट डिवाइस है। देखिए, आप चक्की देखेंगे तो एक साइड से आप गेहूं डालेंगे, दूसरी साइड से प्रोसेस होगा, वो पिसेगा, और तीसरी साइड से आटा बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर कार्य करता है। तो एक ये क्या है, एक एग्जाम्पल है आटा चक्की का। तो आप आटा चक्की का एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। कोशिश क्या है आंसर लिखने की, कॉलेज में आ गए हैं तो कॉलेज का फोकस क्या रहता है, हर क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव आंसर के लिए एक आधे डायग्राम भी बना दीजिए, वही सब है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर के भाग पर कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण से कंप्यूटर को निम्नलिखित चार भाग है कंप्यूटर के। कौन कौन, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहते हैं, दूसरा मेमोरी या हिंदी में कहते हैं स्मृति, तीसरा है इनपुट डिवाइसेस और चौथा है आउटपुट डिवाइसेस। तो कुल टोटल कितने भाग हैं, चार भाग हैं। एक इनपुट करेंगे, एक और लास्ट आउटपुट करेंगे, उसके बीच में CPU और क्या होगी, मेमोरी होगी। तो इन चारों का वर्णन कर देना है और बस ये डायग्राम बनाना है आपको, बहुत अच्छा, इससे अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर। यहाँ पर इनपुट इकाई, अब देखिए वहाँ आप एग्ज़ाम में गोला ना बना पाए तो इसको चौकोर में बना दीजिएगा, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक तरफ मेमोरी, एक तरफ अंक गणतीय एवं तार्किक इकाई, नियंत्रक इकाई, और यहाँ पर आउटपुट इकाई, ये हिंदी में, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं ये हर का अर्थ क्या है। तो सबसे पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी अनुवाद केंद्रीय विश्लेषक इकाई है, केंद्रीय विश्लेषक इकाई या नियंत्रक इकाई। इसके नाम से स्पष्ट है कि कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर प्राप्त सूचनाओं की गणना एवं उनका विश्लेषण किया जाता है, यहीं पर सब काम होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात केंद्रीय विश्लेषक इकाई कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, विश्लेषण किया जाएगा गणना और सूचनाओं का, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट CPU। अब CPU को और डिटेल में देखते हैं। तो CPU को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो नियंत्रक इकाई और दूसरा अंक गणती एवं तार्किक इकाई। आपने देखा होगा जो डायग्राम बना था उसमें ऊपर लिखा था स्मृति मेमोरी, नीचे लिखा था अंक गणती तथा तार्किक इकाई, और बीच में लिखा था नियंत्रक इकाई। तो नियंत्रक इकाई को कहते हैं CU। नियंत्रक इकाई का कार्य कंप्यूटर की इनपुट एवं आउटपुट युक्तियों तथा स्टैंडर्ड डिवाइस को नियंत्रण में रखना, ये क्या करती है, बैलेंस बनाती है। इनपुट युक्तियों से सूचनाओं को प्राप्त करना, इन्हें कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदलना, इन्हें क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU को भेजना, ALU से विश्लेषण के उपरांत प्राप्त परिणामों को आउटपुट युक्ति तक भेजना, स्मृति का उचित प्रयोग करना एवं आउटपुट युक्तियों को विश्लेषण के उपरांत प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए भेजना इसका मुख्य कार्य है। सिंपल सा याद रखिए, इसका काम है नियंत्रक, मतलब नियंत्रण करना, हर प्रकार का नियंत्रण करता है, जैसे इनपुट डिवाइस द्वारा क्या इनपुट आ रहे हैं उसका विश्लेषण करना,
एएलयू को क्या भेजना है, उसके बाद जो आउटपुट निकल रहा है उसके परिणाम को विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत करना, ये इसके कार्य हैं। कंट्रोल यूनिट या नियंत्रक इकाई के क्या कार्य हैं, यह प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी से उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है ताकि डेटा प्रोसेस हो सके, ठीक है। सेकंड क्या है, यह निर्देशों के एग्जीक्यूशन हेतु आवश्यक टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। थर्ड देखिए, यह कंप्यूटर के अन्य रिसोर्स है जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि की क्रिया हेतु आवश्यक स्टेटस टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल प्रदान करता है। मेन याद रखिए, इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। हर प्रकार का कार्य इसका क्या है, कंट्रोल करना। अब कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में बताइए, यह डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हो गई नियंत्रक इकाई या कंट्रोल यूनिट। अब सेकंड क्या है, अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म है ये। तो कंप्यूटर के इस भाग में सभी अंक गणितीय गणनाएं तथा तार्किक विश्लेषण होता है। जो गणित का काम है ये यहाँ से होता है, तार्किक क्रिया कोई भी है तो मेथड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। यह अपने द्वारा संचित सभी निष्कर्षों की स्मृति में भेज देता है। अब ALU के कार्य और देख लेते हैं, इनके कार्य क्या है, लॉजिक संबंधी कार्य है इसके। फर्स्ट काम है इसका, यह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट शिफ्ट क्लियर ऑपरेशन संपन्न करता है, मैथ के काम करते हैं। एक कंप्यूटर कितने व किस प्रकार की गणितीय व लॉजिक क्रियाओं को करने में सक्षम है, इनका निर्धारण ALU द्वारा ही होता है। इसमें सभी प्रोसेस CU के निर्देश में एवं बाइनरी फॉर्मेट में संपन्न होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर था। एक डायग्राम आपको जो बनाना ही है वो है, वो यह डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, हर क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड के अनुसार लिखकर जरूर आना है, ओके। इसी प्रकार कंप्यूटर्स के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल में वीडियो बना देंगे जिससे आपको परेशान ना होना पड़े, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप, ओके। थैंक यू सो मच।